खबर हरदोई से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारी है। बदमाशों ने सराफा व्यापारी से ज्वेलरी से भरा बैग लूटा। जिला अस्पताल में चल रहा है सराफा व्यापारी का इलाज। वारदात से नाराज व्यापारियों ने बंद किया है मार्केट। सांडी थाना इलाके में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी, तो जिला अस्पताल में चल रहा सराफा व्यापारी का इलाज। दिन दहाड़े गोली मारने का मामला सामने आया है। वारदात से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया है। सांडी थाना इलाके में बदमाशों ने व्यापारी को गोली से भूना है। बेखौफ बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारी। बुरी तरीके से जख्मी व्यापारी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। अस्पताल की ही तस्वीरें हैं जो हम क्लियरली आपको नहीं दिखा सकते हैं जाहिर तौर पर, लेकिन ये इलाज के दौरान की तस्वीर है। हालांकि और तमाम जो व्यापारी हैं मार्केट में, उन्होंने मार्केट बंद करने का, अपनी दुकानों को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि जब तक बदमाशों के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इसी तरीके से बाजार बंद रहेंगे। एक तरीके से विरोध की परिस्थिति यहाँ पैदा हो गई है। बदमाशों ने सराफा व्यापारी से ज्वेलरी से भरा बैग भी लूट लिया और मौके से रफूचक्कर हो गए। सहयोगी इंद्रेश दीक्षित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? पूरा मामला ये ठंडी इलाके का है, जहां पर एक ये व्यापारी था जो कि अपने घर से सुबह दुकान खोलने के लिए जा रहा था, और वहीं पास ही में एक मंदिर है जहां पर ये सुबह डेली दर्शन करने के बाद ही वो दुकान पे जाता था, वहीं जा रहा था। तो वहीं पे कुछ पहले से ही मौजूद बदमाशों द्वारा इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें ये व्यापारी जो की घायल हुआ है और इसको जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। वहीं गुस्साए व्यापारियों ने सांडी कस्बे में जाम लगा दिया था, जिसके बाद मौके पर सीओ और एडिशनल एसपी भी पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पर समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं व्यापारियों की अभी भी लगातार यही मांग है कि जल्द से जल्द जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की जाए, और ताकि दो और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कोई पुलिस को ठोस कदम उठाए जाए, क्योंकि पहले भी इस तरीके की घटनाएं इस इलाके में हो चुकी हैं। बिल्कुल, चलिए अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया इंद्रेश। तो पहले भी इस तरीके की घटनाएं इस इलाके में हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए कहीं ना कहीं पूरा बाजार बंद करने पर तमाम व्यापारी मजबूर हो गए कि जब तक इस तरीके के कदम प्रशासन के खिलाफ नहीं उठाए जाएंगे, तब तक मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।